here and you are watching NK tutorial. My dear student, we are doing Maths of NCERT class 10th exercise 3.3. You know, we have done already introduction class of exercise 3.3 ko ho chuka hai. Ab hum start karenge, you know, questions of exercise 3.3. So let's start. सबसे पहले हम first question में देखेंगे. What does the first question says? First question क्या कहता है? हम सबसे पहले समझेंगे. Question says, solve the following pair of linear equation by substitution method. Okay? Substitution method के through हमें इन pair of linear equation को solve करने हैं. Okay? तो first is given x plus y equals to 14. Okay? And x minus y equals to 4. Okay? You know, solve करना means what? We have to find the value of x and y. हमें x और y को simply value find करने हैं. Okay? By using substitution method. Please understand. Come with me. Here, सबसे पहले you know हम suppose करेंगे equation को ले x plus y equals to 14 equation 1. इसे हम equation 1 suppose करते हैं और x minus y equals to 4 को हम equation 2 suppose कर देते हैं. Okay? You know इन दोनों में से x और y दो variable हैं. इसमें से किसी एक variable की वैल्यू को हम यहाँ पे फाइंड करेंगे. Just look here, x plus y equals to 14. So you can do here from equation 1. Equation 1 से हम लेंगे y की वैल्यू. Y equals to 14 minus x. X will come this side. 14 minus x. Now, अब हम क्या करेंगे? ये substitution means क्या होता है? Put करना, values को put करना. अब हम इस value को put करेंगे equation 2 में. इसे हम suppose कर लेते हैं equation 3. Okay? Y की value हम किसमें put करेंगे? Equation 2 में. Now, putting the value of y इन इक्वेशन सेकंड में y की वैल्यू रखने पे हम क्या पाते हैं? यू नो दिस इज x माइनस y इक्वल्स टू 14. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? यहाँ पे रखेंगे x माइनस y इक्वल्स टू 4. ओके, x व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 14 माइनस x. यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे. y क्या है? 14 माइनस x इक्वल 14 माइनस x इक्वल्स टू 4. नाउ x minus 14 minus minus plus plus x equals to 4. Now xx 2x. 2x this 14 will go that side, then 4 plus 14 18. Therefore x equals to 18 by 2. 2 range here 18. Means we get here. Hum x ki value kya find out karte hain yahan pe? 9. The value of x is 9. X ki value hamare paas already aa gaya hai. अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ y. अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो यू नो हम x की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में रखेंगे. ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x क्यों रखेंगे? बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड में x की वैल्यू रखने पर y इक्वल्स टू 14 माइनस x. 14 minus x. What is the value of x? 14 minus 9. 14 minus 9 equals to 1. 14 में से अगर हम 9 subtract करेंगे, we will get here 5. 14 में से हम 9 subtract करेंगे, then we will get here 5. Therefore, y equals to what? 5. X equals to 9 and y equals to 5. I hope you understood it. Understand has me? The same way we have to find the value of s and t. हमारे यहाँ पे दो वेरिएबल है s and t. ओके, s और t. ये दोनों वेरिएबल्स के हमें वैल्यूज को फाइंड करने हैं. द सेम वे सब्स्टिट्यूशन मेथड हम अप्लाई करेंगे. यू नो सबसे पहले हम यहाँ पे यस व्हाट वी विल डू, वी विल टेक टी दिस साइड. हम t को ये साइड लेकर जाएंगे, मीन्स ऑरिजिन साइड. सो सो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट वी हैव डन. नाउ वी विल सी द सेकेंड पार्ट. ओके, सेकेंड पार्ट को भी हम उसी तरह से करेंगे. यहाँ पे भी दो वेरिएबल है एस एंड टी. हमें इन दोनों वेरिएबल्स के वैल्यूज को फाइंड करने हैं. तो फर्स्ट हम देखेंगे
लेट एस माइनस टी इक्वल्स टू 3, इसे हम इक्वेशन 1 सपोज करेंगे। एस बाय 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल्स टू 6, इसे हम सपोज करेंगे इक्वेशन 2। नाउ अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को हम लेंगे बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एस एंड टी। इक्वेशन 1 में हम देखते हैं क्या है, यू नो टी के वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, टी वी विल टेक दैट साइड, टी को हम ये साइड लेकर जाएंगे। सो एस की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, एस इक्वल्स टू 3 प्लस टी, इसे हम सपोज करेंगे इक्वेशन 3। नाउ अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन टू, इक्वेशन 2 में एस की वैल्यू को हम पुट करेंगे। सो व्हाट इज एस, एस इक्वल्स टू 3 प्लस टी, पहले हम स्प्लिट इट कर लेते हैं, एस बाय 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल्स टू 6। एस की वैल्यू क्या है, 3 प्लस टी, सो 3 प्लस टी वी विल पुट ऑन हियर, बाय 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल्स टू 6। एलसीएम लेंगे, 3 और 2 के एलसीएम, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 को 3 प्लस 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस 2 3 जा 6, 3 इंटू टी 3 टी इक्वल्स टू 6। नाउ अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, नाउ 2 प्लस टी, 2 इंटू टी 2 टी प्लस 3 टी इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 6। नाउ अब हम इसे रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके सो 6 प्लस 2t, 2t प्लस 3t, व्हाट विल बी 5t, कितना हो जाएंगे 5t इक्वल्स टू 6 6 36, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 6 36। नाउ इस 6 को हम ऐसा लेकर जाएंगे, 5t इक्वल्स टू 30, देयरफॉर t इक्वल्स टू 30 बाय 5, 5 6 30, वी गेट हियर t इक्वल्स टू 5 6, t की वैल्यू क्या है यहां पे, t इक्वल्स टू 6। S equals to, we have got here t equals to 6. Now, t के वैल्यू को we have got already. Now, we will put the value of t in equation 3rd. Equation 3rd में हम t के वैल्यू को put करेंगे. What is equation 3rd? Equation 3rd क्या है? You can note down. आप इसे note down कर सकते हो. ये हमारे equation 3rd है. Okay? इस t के वैल्यू को हम equation 3rd में put करेंगे. Then, S equals to 3 plus t. T की वैल्यू 6, सो S इक्वल्स टू 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 9, देयरफॉर S इक्वल्स टू 9, ओके T इक्वल्स टू 6 और S की वैल्यू क्या है 9। अगर आप चाहो यू नो यू कैन जस्ट हाउ, अगर आप लाइक दिस क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज कर सकते हैं दैट हाउ दिस 6 एंड 9 या ठीक है वैल्यूज है, लेकिन क्या ये करेक्ट वैल्यूज है, तो हम यू नो व्हाट हमें LHS और RHS को प्रूव करके देखेंगे। जस्ट लुक हियर, फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे S माइनस T वेरिफिकेशन, इसे हम वेरिफिकेशन भी कह सकते हैं, कैसे वेरिफिकेशन कर सकते हैं आप इसे, यू नो T इक्वल्स टू 6, T की वैल्यू क्या है 6, वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं, हम उसे देखने के लिए वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। फर्स्ट वन, एस माइनस टी इक्वल्स टू 3, एस की वैल्यू क्या है 9, 9 माइनस 6 3, 3 इक्वल्स टू 3, हमने देखा LHS RHS इक्वल है, LHS इक्वल टू RHS, दैट्स व्हाई आवर आंसर इज करेक्ट। हम सेकंड इक्वेशन को भी देख सकते हैं, सेकंड एस बाय 3 प्लस 2 बाय टी बाय 2 इक्वल्स टू 6, what is the value of S? 9, 9 by 3 plus what is the value of T? 6, 6 by 2 equals to 6, 3 3 ja 9, 3 2 ja 6, sorry 2 3 ja 6, 2 3 ja 6, so 3 plus 3 equals to 6, 3 plus 3 6 means LHS, हमने देखा that LHS is equal to RHS, LHS हमारे RHS के इक्वल है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट हमारा आंसर व्हिच इज इक्वल टू S
equals to 9 or t t cube minus 6 है, which is perfect answer of these perfect values of the second part of question number first. Understood?